ना वेलकम बैक ब्रेकफास्ट एट होम और सुबह 7:15 से लेकर 8:30 बजे तक हम आपके लिए लाइव लेकर आएंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से और साथ ही साथ रोजाना 4 बजे ये रिपीट भी होगा और इसके अंदर जैसा कि अभी तक आपने देखा हम स्टार्ट किया करेंगे मॉर्निंग जिम ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से फिटनेस के सेगमेंट से और फिर हम मूव करेंगे बच्चों के सेगमेंट पे जो कि हमारा एक काफ़ी सब्सटैंशियल किस्म का टाइम लेकर जाया करेगा जिसमें बच्चे जैसा कि आज आपने MBA से मुलाकात की MBA इज़ जस्ट वन आजकल हम ऑडिशंस कर रहे हैं ऐसे ब्रिलियंट मज़ेदार बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें ऑडिशंस दे रहे हैं हमें रीच आउट कर रहे हैं और जो अपनी अपनी इंटरेस्टिंग दुनिया हमारे सामने अनफोल्ड कर रहे हैं ऐसे बच्चे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे लाइफ पैट्स का मैंने आपसे जिक्र किया अच्छी खाला भी हमारे साथ हुआ करेंगी जो बच्चों को कहानी सुनाएंगी पोइम्स के ऊपर बात होगी और उनको साथ साथ गाइड भी हम करेंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन से PTV से सीखी जब हम बच्चे थे हम ये समझते हैं कि शायद जनरली पाकिस्तानी मीडिया जो है अब वो काम सरंजाम नहीं दे रहा बच्चों के ऊपर कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही बच्चों से कोई बात नहीं कर रहा बच्चों की कोई बात नहीं सुन रहा उनको सुनना भी है उनसे बात भी करनी है इसलिए ब्रेकफास्ट एट होम का एक 10 से 15 मिनट का सब्सटैंशियल रोजाना सेगमेंट हमारा बच्चों पे हुआ करेगा सो बच्चे भी इसको देखें इस पर हम आपसे ड्राइंग्स भी कराएंगे और गपशप भी करेंगे और एनिमल्स की बात होगी और आपकी कहानियाँ आपका फीडबैक भी हम शामिल करेंगे और आप अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में और आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तब भी हमसे आप रابطہ कर सकते हैं लेकिन उसके बाद हुआ करेंगे हमारे कुछ लाइव सेगमेंट्स जिनके जो बहुत से सेगमेंट्स हैं तकरीबन 6-7 हैं लेकिन आज उसमें से 4 के होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उन चारों से थोड़ी थोड़ी गप करेंगे लेकिन सबसे पहले बताइए कि आपको हमारा सेट कैसा लगा क्या कहा बी से कुछ सुना मैंने बहुत अच्छा ब्रिलियंट अच्छा एक ही बात है ऑलराइट थैंक यू वेरी मच आप हमें बताइए कि हमारा सेट कैसा है क्योंकि हमारे ख्याल में बड़ा डिफरेंट सा सेट और एक बड़े डिफरेंट से बंदे ने इसको डिजाइन किया और क्रिएटिवली विजुलाइज किया और हमारे लिए पुट अप किया लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अब्दुल्ला अब्दुल्ला गुड मॉर्निंग क्या हाल है थैंक यू ब्यूटिफुल थैंक यू आई एम सो हैप्पी मतलब मैंने अब्दुल्ला के साथ हमारे प्रोड्यूसर्स मुकेश और फारूक ने जब मीटिंग की अब्दुल्ला ने मुझे कहा व्हाट डू यू वांट मैंने कहा आई वांट एनर्जी एंड पॉजिटिविटी एंड आई थिंक दीज आर टू एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेडोमिनेंटली देयर इन दिस सेट हाउ वाज द एक्सपीरियंस डिजाइनिंग दिस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था सेट डिजाइन करने का एंड आई थिंक ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहा और जो आपकी प्रोडक्शन टीम थी उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली जिस तरीके से मैंने इसको विजुलाइज किया था जिस तरह से मैंने इनको डिज़ाइन करके दिया था आई थिंक उन्होंने फुल स्पिरिट के साथ उसको डेफिनेटली एग्जीक्यूट कराया बड़े अनकन्वेंशनल कलर्स हैं यूजुअली टीवी सेट्स के ऐसे कलर्स नहीं यूज होते तौसीक मेरा सबसे पहला जो उनसे क्वेश्चन था वो ये था कि इस प्रोग्राम का जो कॉन्टेंट है वो किस तरह का होगा इसमें किस तरह के लोग आएंगे सो जब मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिलेटेड इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि एक वास्ट जॉनरा के लोग आपके प्रोग्राम में आएंगे और एक इंटीमेट किस्म की कॉन्वर्सेशन होगी थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल किस्म की कॉन्वर्सेशन होगी सो आई गॉट रियली एक्साइटेड इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी सी बातें किसने शुरू कर दी है मेरे सेट पे प्लीज ये पढ़े लिखे किस्म की बातें ना करो मेरा ऐसे बदहजमी सी हो जाती है तबीयत खराब हो जाती है जी जी सो यही रीजन था कि उसने मुझे जो है फ्रीडम दिया कि मैं कुछ सर्टन जो है वो डिसीजंस ले सकूं और काफी फ्रीली जो है वो इसको डिजाइन कर सकूं अब्दुल्ला जो है वो एक वीकली सेगमेंट भी लेके आएंगे बाय वीकली उस सेगमेंट के बारे में जल्दी से बता दो ताकि मैं अगले सेगमेंट्स पे जी बेसिकली वो इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड सेगमेंट होगा जिसके अंदर हम डिफरेंट टिप्स वगैरह देंगे और बाज़ दफ़ा लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी कोई बहुत आपको एक्सपेंसिव इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए कोई बहुत से एक्सपेंसिव चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आप कोई छोटी छोटी सी माइनर चीज़ें करके एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीएडजस्ट करके किस तरीके से आप जो अपना लिविंग रूम है अपना बेडरूम है उसको मजीद बेहतर और मजीद लाइवली कर सकते हैं और इसकी एक मिसाल हमारा ये सेट है जो कि बिल्कुल भी महंगा सेट नहीं है बहुत ही मिनिमल बजट के अंदर बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है आपके लिए यस अब्दुल्ला विल बी विद अस ऑलमोस्ट एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स और हम इंटीरियर्स के हवाले से आपके साथ गप लगाया करेंगे थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला हमारे साथ आप देख सकते हैं फैसल बैठे हुए हैं आमिर हैं और रिदा हैं लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू फैसल जो कि जिनका नाम फैसल नहीं होगा मेरे शो में इनका नाम होगा मूवी वाला ये मूवी वाला है मूवी वाला तुम्हारे सेगमेंट में क्या होगा
थैंक यू तौसीक साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और मज़ेदार किस्म के कलर्स और वाइब्रेंट किस्म का जो शो चल रहा है ना, उसकी वजह से मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मेरी एनर्जी आपको दे के बहुत बढ़ गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमें अब आपकी एनर्जी के साथ कम्पीट करने की हर दफा जरूरत पड़ेगी, हम कैसे? मेरी एनर्जी से कम्पीट करना मुश्किल है, देखिए ना हमारा एज डिफरेंस भी है। yes. आप और रिदा और अब्दुल्ला ये लोग मुझसे, ज़ाहिर है आप लोग 10-15 साल बड़े हैं, तो मेरी जो एनर्जी है वो एक यंग आदमी की एनर्जी से आप लोग को, you will have to try, make an effort. Sir, I wish you good luck. You have set the bar too high for us, by the way. Anyways, आपके सेगमेंट में क्या होगा जरा ये बताएं, तारीफें बहुत होगी। Okay. मूवी वाला सर, आपको पता है कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल करने की पूरी कोशिश की जा रही है पूरे पाकिस्तान में, तो हमने सोचा कि क्यों ना एज अ स्टेट चैनल हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो मेरे सेगमेंट में ये होगा कि हम बात करेंगे मूवीज़ के हवाले से, खासतौर पे पाकिस्तानी मूवीज़ के हवाले से, जो नई मूवीज़ आएंगी उन पर बात करेंगे, उनके काम के हवाले से बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो क्लासिक मूवीज़ हैं हॉलीवुड की उन पर बात करेंगे। वो ऐसी मूवीज़ हैं जो कि आपको कहा जाता है कि जी मरने से पहले आपने ये फिल्म जरूर देखनी है। ऐसी मूवीज़ मस्ट वॉच है ना? यस, मस्ट वॉच। तो उन मस्ट वॉच मूवीज़ का रिव्यूज़ आप लेकर आएंगे। एग्जैक्टली। ग्रेट। और ये हफ्ते में एक दिन सेगमेंट होगा? हफ्ते में एक दिन होगा, और इसके साथ साथ सर हम उन लोगों पर बात करेंगे जिन्होंने ऑस्कर्स जीते हैं, और वो ऑस्कर्स कैसे जीत सके हैं वो, और हम ये भी बताएंगे सेगमेंट में कि किसके पास कितने ऑस्कर हैं। सबसे ज्यादा ऑस्कर जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँ कि खातून के पास, और वो खातून कौन है इसके बारे में बताएंगे। हर हफ्ते एक पर्सनालिटी लेके आएंगे, और हम मुझे ये पता है कि दो ऑस्कर्स पाकिस्तान के पास भी हैं, और भी खातून के पास हैं, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त शर्मीन उबैद चुनाई। और बाय द वे शर्मीन भी बहुत जल्द आपको ब्रेकफास्ट एट होम में मिलेंगी, और हम उनसे कहेंगे अपने दोनों ऑस्कर साथ लेके आए। सो और इसके अलावा सर हम जो नई पाकिस्तानी मूवीज आएंगी ना, हम उसकी जो कास्ट है उसको इनवाइट किया रखेंगे, लोगों से मिलवाएंगे, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लवली लवली लवली, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू तीफा एंड ट्रबल। सो तीफा एंड ट्रबल की कास्ट भी यहां पे आएगी। थैंक यू वेरी मच फैसल, मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं कि प्रोग्राम का आज इंट्रोडक्टरी शो है, वक्त बहुत कम है, और सब सेगमेंट्स को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। आमिर कुरैशी, वेरी गुड फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम सुपर गुड। आमिर, आपके सेगमेंट में क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? हमारा सेगमेंट जो होगा काफ़ी ब्रॉड किस्म का होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन जो फोकस होगा यंगर जनरेशन के लिए, बच्चों की आपने बात की, अब हम बात कर रहे हैं यूथ की। हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए टू बिकम अ गुड, लेट्स से स्टडीज़ में अच्छा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए उनको, पढ़ने के बाद जॉब किस तरह से ढूंढेंगे, या बिज़नेस अपना शुरू करें, कारोबार करें, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। कारोबार के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, ये आएंगे इतना पैसा लेके आओ फिर कारोबार शुरू करते हैं। कारोबार आजकल थोड़े पैसे से भी हो सकता है, और आजकल यही तो अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ के लिए कि बहुत कम पैसे से कारोबार शुरू किया जा सकता है। ये सारी जो है एडवाइस और टिप्स आपके व्यूअर्स के साथ शेयर किया करेंगे। लवली। और ये वीकली सेगमेंट होगा आमिर? जी, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, दुनिया के हर कोने में काम करता हूँ, तो जब भी पाकिस्तान में होऊंगा, जब भी इस्लामाबाद में होऊंगा, आई विल बी हियर रेडी फॉर। और मजे की बात, आपको साथियों ये बताऊं कि आमिर जो है, जैसे कि उन्होंने खुद भी जिक्र किया, ये पूरी दुनिया में जाके यंग यूथ को, खास तौर पे हमारे जैसे ममालिक को, पाकिस्तान जैसे ममालिक को, कि जहाँ पे यूथ बल्ज है, नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम इस वक्त 62% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन, हम से मुराद मैं भी, तो यूथ जो है उसके क्या मसाइल हैं। हम कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, डिग्रियां दो डिग्री, वो कहते हैं भाई डिग्री दी है, डिग्री हमने ली है, नौकरी तुम दो। सो वो नौकरी का क्या इशू है। सो ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और यंगस्टर्स को वो टिप्स देते हैं कि किस तरह से, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि जॉब सर्च कैसे करनी है, अपना पोटेंशियल 100% कैसे निकालना है, चाहे वो कारोबार की सूरत में है, जॉब की सूरत में है, या कुछ भी है। और दूसरी एक चीज जिसको मैं चाहूंगा कि आमिर अपने आप सेगमेंट में जरूर टच कीजिएगा, वो है पैशन ओरिएंटेड करियर। वो करियर अपनाइए जिसके अंदर आप, जो यहां से जिसकी आवाज है, यहां से जिसकी आवाज है वो भी सुननी है, लेकिन यहां की आवाज को भी सुनना है। तो पैशन ओरिएंटेड करियर्स क्या है, उस हवाले से हम आमिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच रिदा। रिदा हमारी वो दोस्त है कि जिनके साथ मैंने अपने करियर का आगाज आज से बहुत साल पहले किया। ये पाकिस्तान में FM की दुनिया की पाइनियर्स में से हैं, और 1993 में मैं और रिदा इकट्ठे शो किया करते थे। एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? तुम वही हो? बिल्कुल वही हूँ। तुम भी वही हो? मैं भी वही हूँ। अच्छे दोस्त बदलते नहीं है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सब इधर पता हो गया मॉर्निंग शो में। ओह अच्छा, सॉरी, मैंने कहा इतने अरसे के बाद जब मुलाकात हो रही है तो बच्चों के हाल पूछ लिया। अच्छा रिदा, तुम्हारे सेगमेंट में क्या होगा? जनाब मेरा सेगमेंट जो है वो ग्रूमिंग का है।
ग्रूमिंग मुझे लगता है कि इसकी थोड़ा सा हम लैक करते हैं, ये कुछ कमी है. लाइक कपड़ा अच्छा पहन लिया, ज्वेलरी अच्छी पहन, लेकिन पता नहीं होता किस मौके पे क्या चीज़ पहननी है, कलर क्या हो, कॉम्बिनेशन क्या हो, इवन परफ्यूम किस मौसम में कौन सा लगाना है. तो मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं ग्रूमिंग के हवाले से आपसे बात करूँ. ये बड़ा हम्बल सा इंट्रोडक्शन था. मैं इसके थोड़ी सी तफसील बता दूँ कि हमने ये देखा है कि हमारे जो मॉर्निंग शोज होते हैं, इसमें मॉर्निंग विद जुगन भी है, दूसरे शोज भी, उसके अंदर फैशन, कपड़े, ब्राइडल और मेकअप, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होता है. तो प्लीज डोंट मिक्स दिस सेगमेंट विद दोस सेगमेंट्स. वो बिल्कुल वो खवातीन के हवाले से सेगमेंट्स है. रिदा जो है वो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इस तरह से टच करेंगे कि सिर्फ खवातीन को ये नहीं बताएंगे कि दुल्हन बनना है तो कौन सा गोटा और कौन सी किनारी आजकल जाना ही नहीं हमने, दुल्हनों की तरफ नहीं हमने जाना. हमने दुल्हन से पहले या दुल्हन के बाद की जिंदगी भी एक होती है. हम इसमें बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि दुल्हनों के अलावा भी एक जिंदगी है. हम उस जिंदगी की बात करेंगे. हम यंग एग्जीक्यूटिव्स को, विदा मर्दों को भी टिप्स देंगी कि कब क्या पहनना है, इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में क्या पहनना है, इवनिंग वेयर क्या होता है, रात को अगर आपने खाने पे कहीं जाना है तो किस तरह के कलर्स होने चाहिए, दफ्तर में क्या, पिकनिक पे जा रहे हैं तो उस दिन शायद चाय अगर ना लगाए तो बेहतर है. तो इस तरह की बातें, कलर्स और वो बगैर जराबों वाले जूते जो लोग पहनते हैं, हैं मैंने कल पहनने थे तुमने उफ क्या किया, तो मेरा अच्छा चले आपको अब मैं उस दिन पहन के आऊंगा जिस दिन तुम्हारा सेगमेंट. नहीं, ऐसे वो डिपेंड करते हैं कि जूते कौन से पहन रहे हैं. हाँ, ये सारी चीजें, शूज कौन से पहन रहे, व्हाट टू वेयर, व्हाट नॉट टू वेयर, व्हेन, ये एक ओवरऑल सेगमेंट का थीम होगा रिदा के. थैंक यू वेरी मच. और ये सारे सेगमेंट्स आपके लिए हम वीकली लेकर आएंगे, यानी कि आमिर, फैसल, अब्दुल्ला, रिदा, इसके अलावा हमारे एक दो और गेस्ट भी होंगे सेगमेंट्स के जो आज ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे से तो इस वक्त नहीं है, मधिया हैं और एक दो कॉलीग्स हैं, गेस्ट हैं. और हम थोड़ा सा सोशल मीडिया के हवाले से भी इस शो के अंदर ज़रूर बात किया करेंगे. ख़ास तौर पर मसलन वज़ीराबाद में मेरी छोटी सी एक बहन या मेरी बेटी बैठी हुई है और उसका फेसबुक अकाउंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, उसने मैट्रिक कर लिया है. हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि आज की ये बच्चियां और बच्चे अपने आप को सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे सेफ रख सकते हैं, अपने अकाउंट हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे व्हाट्सएप को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं. सो सोशल मीडिया, ट्विटर क्या है, इंस्टा क्या है, इसके पासवर्ड्स कैसे लगाए जा सकते हैं, आप अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, खासतौर पे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गांव गोठ में स्मार्टफोन हर जगह पहुंच चुका है. तो सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर भी हम डाइव लगाएंगे और मेरे जैसा डायनासोर, मेरे जैसा स्टोन एज और केव एज का इंसान भी सीखेगा एक्सपर्ट से कि कौन सा बटन दबाने से भाईजन क्या होगा, ये हम सारा देखेंगे. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक लें जी, क्या करें, ब्रेक लें जी, ब्रेक लेते हैं. ब्रेकफास्ट एट होम में रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं और आपको बताते हैं कि और हमारे शो में क्या होगा. स्टे विद मी. मैं इतनी जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं बोला, क्योंकि 7:15 से लेकर 8:30 तक हमने सारे सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस कराने थे जो कि इम्पॉसिबल काम था और काफी हद तक इम्पॉसिबल ही रह गया. एक दो सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में कल बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा है और मैं आपको जरूर मिलवाना चाहूंगा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त कपल से, सरमद एंड शंदाना. सरमद गफूर, हु इज माशाल्लाह वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिशियंस ऑफ दिस कंट्री. और आज ही सरमद को बुलाने की वजह यह है कि ब्रेकफास्ट एट होम का ये जो थीम म्यूजिक है, हमारा जो टाइटल म्यूजिक है, इसको सरमद ने क्रिएट और कंपोज किया है. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. शंदाना से तो इसको मैंने ना तुम्हें किसी दिन अलग से भी बुलाना है, बगैर सरमद के बहुत सी बातें करनी, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट विद सरमद राइट नाउ. कैसे ये म्यूजिक बनाया, क्या सोचा था, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रेकफास्ट एट होम? ब्रेकफास्ट एट होम की अच्छी बात ये थी कि मेरे पास विजुअल्स आ गए थे और मुझे बता दिया गया था कि किस तरह की थीम है, किस तरह के कलर्स होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा,
फैमिली ओरिएंटेड है, तो वो बस एक दफ़ा उस तरह की टर्म्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली दिमाग में जो है ना म्यूजिक के फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। वो जो प्रोमो था उसको हमने पहले शूट किया, ये भी पूरी एक कहानी, उसको शूट करके हमने एडिट किया, जो प्रोमो आप देख रहे हैं और बड़ा पॉपुलर हुआ है आजकल, वो हमने एडिट करके शरबत को भेजा और उस पर इन्होंने म्यूजिक डिजाइन किया। वैसे प्रोमो इज अ हिट, It is. I love the video production. उसकी quality is very, very, very different. बहुत मज़े की है। लेकिन इससे गड़बड़ भी हुई है। मैं शुरू में भी कह रहा था, वो promo इतना जबरदस्त बन गया, उसने हमारे standards इतने high रख दिए। Pressure ज़्यादा। कि कल रात को मैं और मुकेश और फारूक, मैं कह रहा था यार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा शंदाना, you visualize music. आप खुद भी एक musician हैं। सरमद की बेगम तो आप हैं ही हैं, लेकिन आप एक म्यूजिशियन भी हैं और आप म्यूजिक को विजुलाइज करके क्रिएट करती हैं। हाउ कैन वन सी म्यूजिक? आप म्यूजिक को देख कैसे सकते हैं? पहले आई यूज्ड टू थिंक, मुझे लगता था कि मैं म्यूजिक को फील ज़्यादा करती हूँ, मगर जब से सरमद से मेरी शादी हुई है, नाउ आई कैन सी म्यूजिक। वाह वाह वाह, क्योंकि द वे ही वर्क्स, द वे ही डज एवरीथिंग इन द स्टूडियो, तो ज़्यादातर खैर मेरे साथ इसका टाइम गुजरता है इन द स्टूडियो एज वेल, बट नाउ आई कैन एक्चुअली विजुलाइज एंड सी म्यूज़िक एंड उस मतलब वो किस तरह उसकी फ्लो है, वो किस तरह इकट्ठे होता है और फिर बाद में आपको वो किस तरह फील कराता है वो म्यूज़िक। वैसे मैं आपको एक बात, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और शंदाना बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं, अगर आप म्यूज़िक को सुनते हुए उसकी ऑडियो के अंदर अगर आप घुसने की कोशिश करें और वो म्यूजिक अगर अच्छा है और आपको वो आने दे अपनी दुनिया में, तो आप एक्चुअली म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स की उन आवाज़ों को देख सकते हैं और मैंने देखा है। मैं गिटार्स को की आवाज़ को देखता हूँ, मैं तबले की आवाज़ को देखता हूँ। टॉकिंग ऑफ गिटार्स, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडिंग गिटारिस्ट में से भी हैं और कोई पाकिस्तान का लीडिंग म्यूजिशियन नहीं है माशाल्लाह जो सरमद के साथ काम ना कर चुका हो और काम ना करना चाहता हो। गिटार मुश्किल है, सीखना आसान? डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे सकते हैं और आपके पास अच्छा टीचर है या नहीं है। मतलब किसी भी स्किल की तरह, अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो आप ठीक चीज़ें करेंगे, ठीक चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वही चीज़ जो है, आप मतलब 10 मिनट में आप जो प्रैक्टिस करेंगे रोज़ाना, वो आपको वही चीज़ अचीव करेगी जो ऑन योर ओन आप 3-4 घंटे भी लगा रहे हो डेली और आप नहीं अचीव कर सकते। सो ये कैसा गिटारिस्ट मेरे सामने बैठा है जिसके पास गिटार ही नहीं है? आज नहीं लाए? बच्चों को और मेरे जैसे बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी सिखाया करें। बिल्कुल। सो क्या ऑन एयर बैठ के गिटार सिखाया जा सकता है? हल्का फुल्का, हल्का फुल्का, जी जी बिल्कुल, टू एटलीस्ट गेट देम इंटरेस्टेड। अच्छा, और मेरे जैसा कुन ज़हन अगर स्टूडेंट हो तो उसको भी सिखाया जा सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बस मेन चीज, आप जिस तरह पहले भी कह रहे थे पैशन के बारे में, मेन चीज होती है पैशन। अगर इफ यू पैशनेट अबाउट समथिंग यू कैन डू एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट। अगर आप में पैशन नहीं है तो फिर एक मुसीबत होती है। नहीं, लेकिन पैशन के साथ स्किल भी तो जरूरी है। मैंने जनाब गिटार सीखना है, पैशन बहुत है लेकिन स्किल नहीं है, स्किल भी मेरा ख्याल है। पैशनेट आप होंगे, यू विल फाइंड अ वे। अच्छा, that's what I'm trying to say. अच्छा जी, breakfast at home जरा हमें सुनाइए ना। वो तो खैर। अच्छा जी, breakfast at home, that's a good thing. Yeah, कुछ भी कुछ भी कुछ भी सुना दूँ। अच्छा, वो कह भी दो जो है दिल में, कल हो ना हो ये जाने कौन। मेरे साथ रहना, मेरे संग चलना, मेरी जान। और आओ यूं ना कोई रंग, बस हो खुशी। मेरे साथ रहना, मेरे संग चलना, मेरी जान।
रातों में, कब तक जिएंगे दुखों के कांटों में, आओ डूब जाए दिल की बातों में। अब तुम सुनो जो मेरे है दिल में, कल हो ना हो ये जाने कौन, मेरे साथ रहना, मेरे संग चलना मेरी जान। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट एट होम का जो पहला शो है उसमें सरमद का गिटार बड़ी मुश्किल से निकालते हैं गिटार। अच्छा आज क्योंकि प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शंदाना बहुत मज़ेदार एक शख्सियत है, एक बहुत मज़ेदार इंसान है। इनके साथ बहुत से मौजूदात पर गुफ्तगू होगी, किसी दिन अलग से आपको मैं इन्वाइट करूँगा और हम सरमद के खिलाफ बातों के अलावा भी बहुत सी बातें करेंगे। साथियों आपको मैं ये बताता चलूं कि जो हमारा प्रोमो है उसको देख के एक बड़े मजे का एक तासुर सामने आता है कि आई विल बी कमिंग टू योर होम्स, यानी मैं आपके घर आऊंगा, जिसमें आखिर में कहता हूं आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे एक कुर्सी मेरी भी। और ये इतनी गलत बात नहीं है, इसके दो मतलब हैं। पहली बात तो ये कि इस वक्त भी हम आपके घर पे हैं कि नहीं है, और आप पी टी वी होम देख रहे हैं और ये आपका होम है और आपका होम भी आपका होम है। तो आप जब रोजाना नाश्ते के टेबल पे बैठे तो तौसीक हैदर की एक कुर्सी आपके पास होगी जो कि स्क्रीन की सूरत में आपके साथ शामिल होगा। बट हम हर हफ्ते किसी एक घर में भी नाश्ते के लिए आया करेंगे, वो कोई भी घर हो सकता है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम आपके घर आके नाश्ता करें तो आप हमें काइंडली रीच आउट कीजिए, और आप हमें फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन के एड्रेस पे पीटीवी होम इस्लामाबाद, सिर्फ इतना भी लिख देंगे आपका खत हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऊपर तौसीक हैदर या ब्रेकफास्ट एट होम लिखना ना भूलिएगा। सो तौसीक हैदर, ब्रेकफास्ट एट होम, पीटीवी होम H9 इस्लामाबाद, ये हमारा एड्रेस है। इस पर आप हमें खत भी लिख सकते हैं, और आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में और आप चाहते हैं कि हम आके आपके साथ नाश्ता करें, मैं आपके घर आऊं और हम उस आपके घर से शो करें, सो दिस इज पॉसिबल और ये हमारा इरादा भी है। तो प्लीज़ आप हमें याद रखिए, आप हमें कॉल भी करें और व्हाट्सएप भी करें एंड रीच आउट टू अस। सरमद बहुत बहुत शुक्रिया, चंदाना बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेकफास्ट एट होम में मेरा साथ दिया। मजे का, एनर्जी वाला, पॉजिटिव सा शो है जी, कोई लंबी चौड़ी हमारे पास आपके लिए कोई ब्यूटी टिप्स और कोई यहाँ पे खीरे रख के आंखों के हल्के कैसे दूर करने, इस तरह की कोई काम की बातें हमारे पास नहीं है। ना ही हम कोई जादू टूना करके आपको बताएंगे कि सास को कैसे आराम किया जा सकता है, ना ही हम आपको बताएंगे कि आपकी शादी अगर नहीं हुई तो ये जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है और शादी कराना बहुत ज़रूरी है, हम आपकी शादी कराएंगे। ना ही हम आपको बताएंगे गरारा जो है वो पटापटी का होना चाहिए या मरीजे का या पता नहीं किसका होना चाहिए। हम ये इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, हम आम से लोगों से आपको मिलवाएंगे, आम से लोगों से पॉजिटिविटी और एनर्जी सुबह सुबह निकाल के आपके लिए लेकर आएंगे, जो रीरन में आप देख सकते हैं दोपहर 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे, बाय बाय।